हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियो शो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लासेस भी मिल जाएंगी, एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूं, तो जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को पता चल गया होगा कि यूपी बीएड का एग्ज़ाम जो है अब 30 जुलाई को होगा, तो तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत समय है, तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा जो है वो है 25 वर्ष, अगर राज्यसभा का पूछे तो 30 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था किसके द्वारा? हिंदू लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा, किसके द्वारा मनाया गया था ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जो है, मुस्लिम लीग द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? स्टार लगा लीजिएगा, बेसिक से क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चौरी चौरा जो घटना हुई थी वो हुई थी जो है 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कहाँ पर हुई थी चौरी चौरा घटना? गोरखपुर जिले में। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? कौन जो है कैबिनेट स्तर का होता है ये आपको बताना है। 54 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं वो जो है कैबिनेट स्तर के होते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रायद्वीपी भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी जो है स्थित है कहाँ में? तो ये स्थित है जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में। कहाँ पे? भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट है कि वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। ठीक है, और एग्जाम होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं तो वो भी जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की जो है मृत्यु हुई थी? बहादुर शाह द्वितीय की यहां पे मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है। फटाफट बताएं कहां पे मृत्यु हुई थी इनकी, बहादुर शाह द्वितीय की। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी रंगून में। कहां पे? रंगून में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न ये है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो सभी लोग जवाब दीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, नमक करके विरुद्ध। क्या था? नमक करके विरुद्ध। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की उच्चतम वार्षिक जो है वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है आपको बताना है। मासीनाम, सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है मासीनाम में होती है, मेघालय में है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सतपथ ब्राह्मण और तैत्री ब्राह्मण डॉट डॉट के ब्राह्मण जो है मूल पाठ हैं किसके, किस वेद के ब्राह्मण
मूल पाठ हैं ये आपको बताना है। तो ये जो है यजुर्वेद ब्राह्मण के जो है मूल पाठ हैं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यहाँ पे चारों वेद देख सकते हैं, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है और कौन सा वेद जो है गद एवं पद दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद है, आपको याद रखना हो चाहिए, ठीक है। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ पे, किस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में है भिलाई इस्पात कारखाना, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा औषधि शैल का उदाहरण है, सभी लोग जवाब दीजिए, कौन सा औषधि शैल का उदाहरण है, तो सेल जो है आपका औषधि शैल का उदाहरण है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है किससे दूर, किस ओर होती है, किससे दूर होती है, यह आपको बताना है। तो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा जो सदैव होती है सूर्य से दूर होती है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है, भ्रंश से संबंधित कौन सा, ये आपको बताना है। तो भ्रंश से संबंधित है ग्राबेन, क्या संबंधित है, ग्राबेन, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, 65 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो गोभी मरुस्थल जो हो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये जो है शीतोष्ण, क्या है, शीतोष्ण मरुस्थल है गोभी मरुस्थल, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तापक्रम विलोमता का अर्थ है, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है, तो तापक्रम विलोमता का जो अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, यही तापक्रम विलोमता का अर्थ है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है, रिहंद परियोजना से कौन सा संबंधित है, कौन सा जलाशय, 67 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है रिहंद परियोजना से संबंधित है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। सिपकी ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है किसका, सिपकी ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है किसका, जम्मू एवं कश्मीर का, उत्तराखंड का, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का, किसका है। तो सिपकी ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन हैं, तो पुष्टि मार्ग के जो आचार्य हैं वो हैं वल्लभाचार्य, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है आपको बताना है, तो भाग 3 जो है आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जो है किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब दीजिए, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था, 73वां संशोधन किया गया था, कौन सा संशोधन, 73वां संशोधन किया गया था, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चंस करवाया हूं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पे स्थित है, द हेग में, कहां पे, द हेग में, ठीक है, कहीं कहीं आपको द भी देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है, राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट विषय में, किस में शामिल है ये आपको बताना है। तो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय जो है भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है, 74 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 जो है निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष किसमें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 75 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें।
तो ये जो है किया गया था वर्ष 1952 में, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था किस मामले में, तो ये दिए थे केशवानंद भारती के मामले में, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे जो हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है पॉलिटी की क्लास में मैं करवाया हूँ, किसके सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के जो हैं सभी सदस्य होते हैं, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा देश दक्षेस यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है, 79 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि कौन सा दक्षेस यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है, तो देखिए जापान जो है सार्क का सदस्य नहीं है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सार्क में जो है कुल 8 सदस्य हैं, कौन कौन से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश हो गया आपका, हो गया उसके बाद भारत हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी सारे के सारे क्वेश्चंस में जो है हिस्ट्री की क्लास में करवाया हूँ, टॉपिक वाइज की क्लास में, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था कहाँ में, तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आर्य समाज की स्थापना हुई थी वर्ष किस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1875 में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसके द्वारा की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, बंबई में, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन काकोरी जो है कांड से संबंधित नहीं था, काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं थे आपको बताना है, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, सुरसेन, कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे ये आपको बताना है। सूर्यसेन जो है काकोरी कांड से जो है संबंधित नहीं थे, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, ये काकोरी कांड हुआ कब था, 9 अगस्त, कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा की गई थी 1582 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, कैसे याद रखना है, हा से वेन सॉन्ग, हा से हर्षवर्धन, ऐसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ठीक है। इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बाबर को जो है कलंदर कहा जाता था, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ कब था, 1905 में, किसके द्वारा हुआ था, करजन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, सभी लोग जवाब दीजिए, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, तो ये जो है जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे कुंवर सिंह, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती हैं, यह किस विद्वान का कथन है, यह हरलॉक का जो है कथन है, ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है किससे, तो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रोड चिन्हों से, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है किसके द्वारा,
हिम नदी द्वारा जो है यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? 92 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? चुनाव आयोग को है। किसको है? चुनाव आयोग को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कौन सा है? वो है WTO। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग विश्व बैंक, IFC यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक के बारे में नहीं पढ़े हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली जो मेरी क्लास हुई थी अभी 3 से 4 दिन पहले, वो क्लास देख लीजिए, इससे एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो WTO जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी नहीं है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है इथोपिया। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर भारत में पूछा जाता है कि कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो कर्नाटक याद रखना है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली में डॉट डॉट श्रेणी संरचना होती, कितनी श्रेणी संरचना होती पंचायती राज प्रणाली में, ये आपको बताना है। 95 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो पंचायती राज प्रणाली में जो है 3 श्रेणी संरचना होती हैं, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में किसी दूसरे के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? सारे के सारे पॉलिटी की क्लास में ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ, अगर आप लोग मेरी डेली क्लासेस को देखते होंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आसानी होती होगी। देखिए, अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो कला वर्ग में जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आपकी जीके स्ट्रांग है तो कला वर्ग में भी आप लोगों का अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। तो भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का जो अधिकार है वो है केवल राष्ट्रपति के पास, यानी कि पी, केवल पी। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रशस्तता का उन्मूलन से, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता डॉट डॉट के देवता थे, किसके देवता थे ये आपको बताना है। तो ये थे पौधों के। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि राजनीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का के दायित्व हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा और उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी, कौन सा दायित्व है ये आपको बताना है। दोनों है, ठीक है, पी और क्यू दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? कौन सा अनुच्छेद? तो वो है अनुच्छेद 3 को, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नए राज्य के गठन का जो है अधिकार किसे है? संसद को है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को परचेज नहीं किए हैं तो परचेज कर सकते हैं, इन बचे हुए दिनों में आप लोग अपनी और भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं, मात्र 149 रुपये में आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ये प्रोफाइल देख सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूँ, तो जाके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। थैंक यू।